चाय के हरे भरे खूबसूरत बागान और अपने परिवार का पेट पालने के लिए इन बागानों में काम करती ये लड़की। ये तस्वीर आपको बेशक बहुत आम लग रही होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। ये देश की वो प्रतिभावान खिलाड़ी है जिसने कराटे खेल में न सिर्फ स्टेट लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी कई मेडल्स अपने नाम करके देश का नाम रोशन किया। यह है असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली राजीना गोवाला, जिन्होंने कराटे में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए और स्टेट और नेशनल लेवल की कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक सहित कई अन्य पदक जीते। लेकिन विडंबना देखिए, कितनी प्रतिभावान होने के बावजूद राजीना अपना घर चलाने के लिए चाय के बागानों में काम करने को मजबूर है। आइए सुनते हैं राजीना के संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। 2015 सन से हम कराटे कर रहे हैं और मैं जो नोएडा में खेलने के लिए गया था वो IGF नेशनल गेम था, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल मारा -50 kg वेट में। अभी कौन कौन सा खेल में अभी तक ले 9 साल के जो अवधि है उसमें जो है कितने मेडल आपको मिल चुके हैं, गोल्ड मेडल, और कौन कौन से कराटे के साथ साथ कौन कौन से खेलों में खेल चुके हैं? ऐसे तो हम कराटे के साथ साथ पहले तो हम कुंफू करता था, कुंफू के बाद किक बॉक्सिंग, उसके बाद कराटे खेलता था और बीच बीच में कहीं कहीं भी मैराथन रनिंग होता था तब जहाँ तहाँ जाता था, सर हम लोगों का बोलता था हम जाते हैं। अभी तक कितना गोल्ड मेडल आप जीत चुके हैं? होगा 10। परेशानी आती है कि मैं, हमारे घर में तो माँ है, पापा है और बहन एक छोटा है, उसको तो पढ़ाई करती है, वो सेकेंड ईयर इस बार गया है, और हमारा माँ पापा भी घर में रहते हैं। हम जब पापा रिटायर हो गया उसके बाद हम पापा के बदले काम लिया बागान में, और अभी बागान में काम करता है और प्रैक्टिस भी करता है। उसके बीच बीच में जब जब मैं खेल में जाती हूँ तब हमारा काम नहीं होता है ऐसा, और बागान तरफ से हाजरा भी नहीं देता है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है घर चलाने में और खेल के पैसा जमा करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। बागान के जो माइकी लोग खेलता है, हम लोग इधर में हिंदी बोलता है, गुट पैसा खेलता है, वहाँ पे हम ज्वाइन हुआ है, और जब लास्ट टाइम हम नोएडा गया था खेलने के लिए तब 5,000 के हिंदी पैसा धार सिस्टम लेता है, दरमा दरमा 500 करके देता है, वो लिया और खेलने गया था और उसकी पैसा कम हुआ था 2-3 हज़ार सार मिला दिया, हमारा कोच तो 15,000 में, हम 5,000 गुट से लिया था और बाकी सब पैसा सार मिला दिया था। वही राजीना की सरकार से मांग है कि उनके जैसे अन्य युवाओं की मदद करें जिससे वो कुशल होने के बावजूद अपने सपने को पीछे छोड़ने को मजबूर ना हो। सरकार से तो अनुरोध करता है कि हम लोगों का बगान में जो हमारा जैसा और भी टैलेंटेड लड़का लड़की है उसको भी हमारा जैसा ही प्रॉब्लम है, तो हम जो प्रॉब्लम से जा रहा है अभी वो प्रॉब्लम हमारा बागान का और भी लड़का लड़के उसको उन लोगों को ना हो, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करता है कि वो थोड़ा हम लोगों का बागान गार्डन एरिया में भी थोड़ा देखे। अभी तो सरकार बहुत स्पोर्ट का क्षेत्रों में बहुत फैसिलिटी दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा बागान की तरफ में भी देखे, और हमारा जो प्रॉब्लम है वो तो सरकार के तरफ से, एक बार हम जो सार्टी से नसीरा कराटे जब खेलने गया था तब हमको एक हेरी दिया था 25,000 का हेल्प किया था, और उसके बाद अभी जो गया है अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं मिला है, और बाकी यही अनुरोध है कि हम लोगों का बागान के लिए लड़का लड़की थोड़ा देखे, थोड़ा हेल्प करे। दूसरी तरफ राजीना के कोच तपन भुइया राजीना के चैलेंज पर काफी गर्व अनुभव करते हैं, हालांकि वो चाहते हैं कि ऐसे जरूरतमंद खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से और भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि ये खिलाड़ी और बड़े स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग ले सके और जीत हासिल कर देश का नाम रोशन कर सके। तो जो राजीना ग्वाला है, जो जिसको गोल्ड मेडल मिला है, वो मतलब ऐसा है ना, हम लोग यहाँ पे जो गार्डन एरिया है ना, यहाँ पे उतना फैसिलिटी नहीं है कुछ भी, वो बहुत परिश्रम करता है, उसका घर में कोई लड़का नहीं है, एक बूढ़ा बाप है और माँ है और एक बहन को खुद चाय के बागान में काम करके वो जो उसको सैलरी मिलता है ना उसी से घर भी चलाता है, छोटे बहन को पढ़ाता भी है और खुद के लिए भी जो प्रैक्टिस में जो वो पैसा का जो प्रॉब्लम होता है खुद वो ऐसे काम कर करके अपना सोल्यूशन निकाल लेता है। गौरतलब है कि राजीना चाय बागान की अन्य महिलाओं के साथ मैजान चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, लेकिन खेल में उनका जुनून और रुचि काबिले तारीफ है। राजीना के ये मेडल्स और सर्टिफिकेट्स उनका संघर्ष और काबिलियत बयां करते हैं।
हालांकि पारिवारिक और आर्थिक स्थितियों ने उन्हें बेशक फिलहाल चाय के बागान में काम करने के लिए मजबूर किया हुआ है, लेकिन राजीना की तैयारी हमेशा जारी है। वो एक शेर है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। राजीना ने साबित कर दिया है कि अगर किसी के पास कुछ हासिल करने के लिए लगन और जुनून हो तो वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर ही लेता है। फिलहाल राजीना की इस संघर्ष भरी और प्रेरणादायक कहानी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।